इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही मजे की नर्सरी राइम, यानी एक बहुत ही मजे की नज़म। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। चलें हम शुरू करते हैं। पहले हम इस दी हुई नज़म को रीड करेंगे और फिर हम इसे गा के पढ़ेंगे। गो टू बेड। इस नज़म का क्या नाम है? गो टू बेड। गो टू बेड। चले अब हम ये नज़म पढ़ते हैं। गो टू बेड मानी, गो टू बेड रानी, सेज योर नानी, सेज योर नानी। चलें हम फिर से पढ़ते हैं। गो टू बेड मानी, गो टू बेड रानी, सेज योर नानी, सेज योर नानी। चलें अब आप भी मेरे साथ पढ़ें। गो टू बेड मानी, गो टू बेड रानी, सेज योर नानी, सेज योर नानी। शाबाश। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बच्ची इस तस्वीर में और एक बच्चा इस तस्वीर में, ये दोनों सो रहे हैं, यानी ये अपने बिस्तर पर हैं। और इस नज़म में भी क्या है कि नानी क्या कह रही है? सबसे पहले नानी मानी को कह रही है कि गो टू बेड, यानी अपने बिस्तर पे जाओ, यानी जाके सो जाओ। और फिर रानी को भी वो यही कह रही है कि गो टू बेड, यानी अपने बेड पर जाओ और सो जाओ। सेज योर नानी, सेज योर नानी, यानी नानी ने दोनों से कहा कि आप लोग अपने बिस्तर पे चले जाओ और जाके सो जाओ। चलें अब हम इसे थोड़ा सा गा के पढ़ते हैं। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। Go to bed, Mani. Go to bed, Rani. Says your nanny. Says your nanny. शाबाश। फिर से हम इसे रीड करते हैं। Go to bed, Mani. Go to bed, Rani. Says your nanny. Says your nanny. इस नज़म में क्या बताया जा रहा है कि नानी रानी और मानी को ये कह रही हैं कि आप लोग अपने बिस्तर में जाके सो जाओ। बिल्कुल ठीक। चलें अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, आपने मुझे उसके जवाब देने हैं। इन तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक। इन तस्वीर में एक बच्चा और एक बच्ची सो रहे हैं, यानी रानी और मानी दोनों सो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। चलें अब हम इस नज़म में राइमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जिनकी आखिर की आवाज एक जैसी होती है? एक दफा हम इसे रीड करेंगे और फिर हम इनमें से राइमिंग वर्ड्स को पॉइंट आउट करेंगे या निशान लगाएंगे। गो टू बेड मानी, गो टू बेड रानी, सेज योर नानी, सेज योर नानी। अब इस नज़म में कौन से दो लफ्ज़ हैं जिनकी आवाज़ एक दूसरे से मिलती जुलती है? मानी और रानी। बिल्कुल ठीक। यानी ये जो दो नाम हैं, ये आपस में राइम कर रहे हैं क्योंकि इनकी आखिर की आवाज़ एक जैसी है। चलें हम इसके गिर्द दायरा भी लगा देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल सके कि राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। मानी और रानी। बिल्कुल ठीक। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इस नज़म को दोहराने की कोशिश कीजिए और नज़म के साथ साथ राइमिंग वर्ड्स को भी दोहराइए। इस तरह आप बहुत जल्द ये नज़म सीख जाएंगे।